Andre Theodore and everybody, put your hands together and make some noise to welcome Ajay sir here. And here he is. Everybody make some noise. Welcome, sir. It was a pleasure to have you here. Itna sa energy, guys. Make it a little louder. Can we have some more noise? Come on. Can we have a mic, please? Yeah. Sir, Jaipur mein aapka first time hai? Yahan pe first time hai? Pehle bhi hai? बहुत बार सो जयपुर आपको कैसा लगता है एंड इतना जब ग्रैंड वार्म वेलकम मिल रहा हो एंड आपका मूवी का प्रमोशन है हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम जयपुर तो मैं मतलब बचपन से आता रहा हूँ तो पहली बार नहीं है यहाँ शूट भी बहुत किया है और यहाँ मेरे दोस्त भी हैं और इट्स अ लवली प्लेस लोग बहुत अच्छे हैं खाना बहुत अच्छा है जी बिल्कुल सो थैंक यू सो मच सो जयपुर से आप ऑलरेडी इतना सारा कनेक्टेड हैं आपके बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर हैं ऑलरेडी और हमें ये पता लगा है कि आपको बहुत ही डिफरेंट नाम दिए हुए हैं आपके फ्रेंड्स ने राइट सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस मास महाराजा दैट यू हैव गॉट ये मास महाराजा नाम का क्या क्या स्टोरी है इसका? ये नाम किसी ने दिया नहीं है ये कभी कभी मीडिया में या कहीं आ जाता है तो इट्स वेरी स्वीट बट I don't know how to react to it actually. Everyone is crazy about your voice, especially about your eyes, and we have seen that craziness, that buzz. और भोला रिलीज हो रही है 30th of March को already advance booking start हो चुका है. कैसा आपको vibe आ रहा है? Just fingers crossed. Film बड़े पर्दे की फिल्म है, बड़े scale पे बनी है, हर format पे है, 3D. 3D IMAX, 4XD, 4XD 3D or 2D. So I'm just keeping my fingers crossed. Aaj advance shuru hua hai. I hope people book and go see the film and like the film. We all are hoping that, and everyone is here to support your Bhola. And we all can say this is gonna be a big time hit. Already buzz itna create ho chuka hai. Already itra sara hype hai. ट्रेलर्स ऑलरेडी यहाँ पर 45 मिलियन क्रॉस कर चुका है सो लेट्स कंग्रेचुलेट हर वंस अगेन एक बार प्लीज जोरदार तालियां बजाएं एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर थैंक यू सो नाउ वी आर ऑन फॉर द क्यू एंड ए राउंड सब लोग आपका बहुत देर से वेट कर रहे हैं और नाउ इट्स अप टू यू गाइस ओवर टू यू सो बिफोर क्यू एंड ए वी हैव आवर टीम हियर We're going to present Momento from the PVR team. So I would love to call Rajiv Ji and Rahul Ji. So sir, Rajasthan ki speciality hai yahan pe khevar bahut acha milta hai. So from our PVR team. Yeah. So Sanjeev Ji is here. He is our PVR INOX head. And now I would love to invite Avinash Ji with the golden ticket. He can sign. So Ajay sir. So we have this golden ticket and Ajay sir is going to sign it. Thank you so very much. Now we have this amazing media people person standing in front of us. Up to you guys. Everyone, kindly settle down. Ajay ji, मेरा सवाल है इधर second row. अनुराग जी. बतौर director और actor हम एक बार फिर आपको देख रहे हैं. Trailer को बहुत पसंद किया जा रहा है. शिवाय के बाद लग रहा है कि ये डबल धमाका फिर लोग देख पाएंगे कितना एक्सपीरियंस बतौर डायरेक्टर रहा किस तरह की एक्सपीरियंस रहा कितना एफर्ट रहा बतौर एक्टर और डायरेक्टर दोनों का कॉम्पिटिशन रखना जब मैं कोई फिल्म डायरेक्ट करने की सोचता हूँ तो ये ज़रूर सोचता हूँ कि इस फिल्म को पहले
कहानी में और बनाने में पहले तो कहानी होती है, पहले तो कहानी का इमोशन होता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद फिर मैं हमेशा सोचता हूँ कि कैसे इसको पहले मुश्किल किया जाए फिर आसान किया जाए ताकि लोगों को कोई नई चीज़ मिले। जैसे आपको शिवाय में भी नया एक्शन मिला था, इसमें भी जैसे मैंने आप बताया इतने सारे फॉर्मेट्स हैं और उन्हें विजुलाइज करने के लिए और एक्शन को डिज़ाइन करने के लिए और सिर्फ एक्शन नहीं जो ड्रामा है जो इमोशंस है सबको एक नए तरीके से प्रेजेंट करने के लिए एक प्लान किया गया, फिर उसके लिए काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन की गई क्योंकि हमारे देश में ऐसे शूट करना मुश्किल होता है जिस हिसाब से हमारे पास टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट भी है और बजट्स भी हैं, तो वो जो चैलेंजिंग चीज़ होती है उसमें बहुत मजा आता है। ये तमिल फिल्म से इंस्पायर्ड हैं, रीमेक भी कहा जा रहा है इसको, तो कितना मतलब कब आपको लगा कि इस फिल्म को बनाना चाहिए, कब ये आपके विचार आया था? ये सिर्फ एक वहाँ से थॉट लिया गया है, बाकी पूरे कैरेक्टर्स और पूरा जो ड्रामा है उसको काफ़ी तरीके से बदला गया है, प्रेजेंटेशन कम्प्लीट किया लगे। सो जब आप कहेंगे इंस्पायर्ड है तो इंस्पायर्ड है स्टोरी आइडिया से, बट उसको फिर प्रेजेंट अपने तरीके से किया गया और हमारी मार्केट्स के लिए हमारी ऑडियंसिस के लिए। अच्छा, जयपुर आपको बहुत मिस कर रहा है बोल बच्चन के बाद, जब आप यहाँ शूट करें फिर आए हैं आप? आई थिंक मैं अगले महीने यहाँ पे शूट करूँगा, कुछ है ऐसा प्लान। माइक तो दो ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी, हम डिसाइड करने वाले कौन आते हैं, हम पिक्चर बना लेते हैं उसके बाद सब ऑडियंस के हाथ में। एक्शन को देख के मतलब बॉलीवुड आपका साउथ से किस तरह से आप देख के बताइए कि एक्शन आपको कैसा लगेगा? अजय जी, मैं डॉक्टर इस्माइल, आपके फ्रंट बिल्कुल सामने इधर आपके इधर ये रहा जी। सबसे पहले तो मैं आपको आपके जन्मदिन की अग्रिम शुभकामना देता हूँ, 2 अप्रैल को शायद आपके जन्मदिन, अभी बताया गया कि 2 अप्रैल को आपके जन्मदिन है, तो उस वक्त हाँ उस वक्त में मुलाकात होगी नहीं होगी, लेकिन अभी मुलाकात है तो आपसे बहुत बहुत। दूसरा ये है कि आपकी जो ये फिल्म है इसमें अजय देवगन फिल्म की, तो इसको अगर काजोल अजय देवगन फिल्म प्रोडक्शन करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। दूसरा ये है कि इश्क का जो भोलापन था वो इस फिल्म में क्या कुछ नज़र आएगा? इसका भोलापन, इश्क फिल्म के अंदर जो आपका भोलापन था, दोनों अलग फिल्म है, दोनों अलग कैरेक्टर हैं। तो मैं वो अर्ज करना चाह रहा हूँ, भोला जो लिया गया कैरेक्टर वो सिर्फ नाम से भोला था या काम से भोला है? तीसरी है कि मैं बात और कहना चाह रहा हूँ कि आज एक हमारी पत्रकार जो साथी है ईशा जी, उनका जन्मदिन है, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा आप उनको भी बर्थडे विश कर देंगे तो ज़रा उनका दिल भर जाए। ईशा जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक हो, गॉड ब्लेस यू, और बाकी जो आपका सवाल था इश्क और इसमें बहुत बहुत अंतर है, क्योंकि वो एक अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। ये भोला कैरेक्टर कितना भोला है या नहीं है इसके लिए आपको फिर देखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा भी, शूटिंग का भी और मेरे बेटे का भी, वो भी एकदम मेरी तरह, तो उसको भी बहुत अंदर से कुछ फील हुआ है वहाँ जाने के बाद, काफ़ी बदलाव आए हैं। सो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो जो मानते हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए। हेलो सर, मैं विश्वास, हेलो सर, फर्स्ट इंडिया सर, दिस इज उत्कर्षा फ्रॉम फर्स्ट इंडिया, हैप्पी बर्थडे एडवांस में सर। थैंक यू सर, मुझे ये पूछना है कि आपने मूवी डायरेक्ट करी है और आपने एक्टिंग भी की है, तो एक डायरेक्टर की क्रिएटिव प्रोसेस एक एक्टर से कैसे डिफरेंट होती है और आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, एज एन एक्टर आपको 90% आपका डायरेक्टर गाइड करता है, फिर आप अपना परफॉर्मेंस उसमें लेके आते हैं। तो जब आप एज ए डायरेक्टर प्रिपेयर करते हैं, आप सब कैरेक्टर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं कि कौन कैसे परफॉर्म करेगा, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी उनका लुक क्या होगा, उनका फील क्या होगा, उनका स्टाइल क्या होगा, उनकी बैक स्टोरी क्या होगी। तो जब आप वो करते हैं तो वो उस प्रोसेस में आप भी, क्योंकि आप भी एक किरदार हैं, तो आप अपने आप को भी डेवलप करते हैं, सो इट बिकम्स लॉट मोर ईजियर एंड देन यू फॉलो द डायरेक्टर। जब मैं शॉट देता हूँ
फिर उसके बाद जब कैमरे के सामने जाके जब मैं मॉनिटर के सामने देखता हूँ एज अ डायरेक्टर देखता हूँ कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया, उसे बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इट्स अ प्रोसेस. ओके सर, सो इट्स जस्ट लाइक अ मिरर. इट्स जस्ट लाइक अ मिरर. या इट्स जस्ट लाइक अ मिरर. हेलो सर, मैं पूजा जोशी आपके सामने ही खड़ी हूँ सर. सबसे पहले बधाई आपको इस फिल्म के लिए, और मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म का मोटो क्या है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस फिल्म के जरिए? मुझे समझ में नहीं आता लोग ये सवाल क्यों पूछते हैं बार बार. सबसे पहला मोटो फिल्म मेकिंग का होता है कि लोग फिल्म को एंजॉय करें, एंटरटेन करें अपने आप को. कोई संदेश लेने आप 200, 300, 500 रुपए की टिकट नहीं खरीदती हैं. वैसे ही आप अगर देखें तो बिना सोचे समझे भी हर फिल्म में एक अच्छा संदेश होता ही है. अगर आप एक एक्शन फिल्म बना रहे हैं तो उसमें हमेशा से ये संदेश होता है कि एक इमोशन होता है, एक जैसे इसमें एक बाप बेटी का इमोशन है तो वो एक संदेश होता है. एक संदेश यह ज़्यादातर हर फिल्मों में होता है जब एक एक्शन फिल्म होती है कि बुरा आदमी क्यों बुरा होता है और नहीं होना चाहिए, और एक अच्छा आदमी कैसे अगर खड़ा रहे बुराई के सामने तो कैसे जीत सकता है. तो ये संदेश तो होते ही हैं फिल्म में. लेकिन ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक जब ऑडियंस जब फिल्म देखने आती है तो वो कोई संदेश देखने नहीं आती, वो अपने आप को एंटरटेन करने आती है और अच्छी चीज़ देखने आती है. संदेश ऑटोमेटिकली आ जाता है. थैंक यू सो मच. अजय सर, राहुल फ्रॉम पंजाब की. इस मूवी पूरी एक्शन पैक मूवी है. एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कहीं पे तब्बू मैम को भी इस दौरान चोट लग गई थी, तो कोई ऐसा स्टंट जो करते वक्त आपको भी घबराहट हुई हो या तो कौन सा सीन था? नहीं, घबराहट तो नहीं, लेकिन ऐसे काफी डिफिकल्ट स्टंट्स थे, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है उसके लिए बहुत प्रेप करना पड़ता है. जैसे कि मेरी पूरी कोशिश होती है और मैं हमेशा ये करता हूँ कि आप काफ़ी फिल्में देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं हॉलीवुड से जब एक्शन आता है. तो कई ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस हम देखते हैं बाकी फिल्मों में जो कि हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड होते हैं और मिलते जुलते हैं. मैंने हमेशा जब भी मैंने एक्शन किया है तो यही सोच के किया है कि कुछ नया करूँ जो किसी ने देखा ना हो, या आपने शिवाय का भी देखा होगा कि कहीं नहीं देखा होगा इसमें भी. तो वो करते वक्त आपको नई चीज़ और नई तरीके सोचने पड़ते हैं. तो घबराहट की बात नहीं है, लेकिन एक नई चीज़ जब आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं और उसको आप सुधारते हुए चलते हैं. एंड ये सिर्फ एक कंप्लीट एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक इमोशनल फिल्म है, एक इमोशनल ड्रामा है. कोई भी एक्शन बिना इमोशन के आई डोंट थिंक चल सकता है, क्योंकि हर चीज़ की एक वजह होनी चाहिए. एक जब ऑडियंस को अगर एक एक्शन पसंद आता है तो अगर वो बिना वजह वो एक्शन चल रहा है तो आपको वो एक्शन कभी छूएगा नहीं या पसंद नहीं आएगा. उसके पीछे अगर कारण हो कि अगर ऑडियंस एक कैरेक्टर के साथ हो कि यार ये बहुत तकलीफ में है, इसको जीतना चाहिए या इसकी ये ज़रूरत है, तब वो कुछ भी करे तो लोगों को मजा आता है. तो बिल्कुल एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए. अगर तो जब तक वो नहीं हो आई डोंट थिंक एनी एक्शन फिल्म कैन वर्क. जो मेन कहानी है. अच्छा, आपकी मूवी आई थी दिल तो बच्चा है जी, उसमें आपने कॉमेडी रोमांस कॉमेडी आप करते हुए नजर आए. अब ये भोला मूवी में एक गाना है आपका दिल तो भोला है, और इसमें आप धुआंधार एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. अब नेक्स्ट अपकमिंग दिल से क्या कुछ करवाने वाले हैं? पता नहीं, अभी इसके बाद तो मैं सिंगम शुरू करूंगा शायद. एक सवाल था सर, ये भोला नाम किस तरह चुना गया, क्योंकि एक्शन थ्रिलर मूवी है और नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई जानबूझ के कोई ऐसा रीज़न नहीं था. जो कैरेक्टर है उसका किरदार देखते हुए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हुए, अगर आप भोला देखेंगे तो भोला के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शिव भगवान के, उसमें भोलापन भी है, गुस्सा भी आता है. जब गुस्सा आता है तो लोगों को ख़त्म भी कर देते हैं, और जैसा कि हमने जो भी सुना है जो भी पढ़ा है और बहुत सीधे भी हैं, तो वो सब कैरेक्टर का जो मिश्रण है वो इस कैरेक्टर के साथ एकदम सही बैठता है. अजय सर, मैं विशाल शर्मा इंडिया न्यूज़ 24/7 से. मेरा एक पर्सनल सवाल था आपसे जी, आपका जो पहले नाम था विशाल था, उसके बाद आपने चेंजेस लाए नाम में, तो उससे क्या आपके करियर में कोई चेंजेस आए? नहीं, विशाल नाम करियर के चेंज की वजह से नहीं था. विशाल नाम था क्योंकि जब मेरी पहली फिल्म आ रही थी तो 3 लड़के विशाल नाम से लॉन्च हो रहे थे, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि हमको नाम बदलना पड़ा.
हेलो सर, दिस इज़ प्राची फ्रॉम सच पीथरा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो भोला फिल्म आप लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है। अगर हम लोग बात करें, दिस इज़ अ 3D फिल्म, तो बॉलीवुड जो है वो 3D फिल्म क्रिएट कर रहे हैं लगातार, एंड दिस फिल्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, लाइक, अगर हम लोग रिलीजन की बात करें, इमोशंस की बात करें, एक्शन की बात करें, सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज़ बाय द अजय देवगन एंड फॉर द अजय देवगन। सो व्हाट स्पेशल आपको क्या लगता है कि किस तरीके का स्टैंडर्ड हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिल्डअप करने आई मीन हमने तो पूरी कोशिश की है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन लेके जाए जो कि लोगों ने बहुत कम देखा हो यहाँ पे या ना देखा हो। अब वो स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ, ये डिसीजन तो आप ही लेंगे। एंड सर, वन मोर थिंग, वी आर ऑलरेडी हैविंग अ न्यूज़ चैनल एंड हम लोग डिजिटल पे हैं, बट बहुत ही जल्द हम लोग अपना जो सैटेलाइट चैनल है वो लॉन्च करने वाले हैं, तो अगर आप प्लीज़ उसके लिए अगर कोई ब्लेसिंग्स दे सके, सो दैट वुड बी ऑल द बेस्ट टू यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो नाउ वी गोना टेक लास्ट टू क्वेश्चंस बिफोर रैपिंग इट अप। अजय, आपकी फिल्म ऑस्कर में पहुंची, गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मेरी फिल्म हो या किसी की भी फिल्म हो, हमारे देश की फिल्म पहुंची है और हमारे देश का नाम वहां लेके गए हैं और ऊंचा किया है, तो उसके लिए आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड एंड आई एम वेरी हैप्पी और हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। सर, सर, ये अमनी है सर। सर, आपने अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे चेस सीक्वेंस की मेकिंग शेयर करी थी, उसमें आपने वीरू सर को ट्रिब्यूट दिया था, तो उसमें नर्वसनेस हुई थी कि इसको एक्ट करना ज़्यादा मुश्किल होगा या डायरेक्ट करना मुश्किल होगा, न्यासा और युग ने ये मूवी देख के क्या? आई थिंक दोनों चीज़ें मुश्किल होती है, तो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, फिर वो स्टंट करना बहुत मुश्किल है, तो कई बार एज अ डायरेक्टर आप सोच तो लेते हैं ये करेंगे और जब एज एन एक्टर करने जाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेटली हो जाता है। नहीं, मेरे बच्चों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, वो देखेंगे अभी। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। सर, आपकी भोली आंखों पर चश्मा नजर आ रहा है। So this was the last question and we are very very glad to have Ajay sir here. और आप सभी को पता है, we all are pretty excited for Bhola. Booking start हो चुका है, book your tickets, 30th of March. We all gonna watch Bhola together. So let's get ready. So all the media person, thank you so very much. Thank you so much sir for your valuable time. It was lovely having you here. I want to come. Can I?